हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एक और शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है आफ्टर 20 ईयर्स। इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है ओ हेनरी ने। ओ हेनरी जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर है। ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरीज हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, जैसे कि द गिफ्ट ऑफ मजाई या फिर द लास्ट लीफ। अगर आप लोगों को वो शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी है तो उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी 1906 में। तो स्टोरी शुरू होती है, एक पुलिस ऑफिसर है जो कि न्यूयॉर्क के एक स्ट्रीट में घूम रहा है। रेनी सीजन है, बारिश हो रही है, रात का टाइम है, काफ़ी हवाएं चल रही हैं। और वो जो पुलिस वाला है वो उसके हाथ में एक स्टिक है और वो स्टिक को लेके घूम रहा है, पूरा पेट्रोलिंग टाइप का कर रहा है। वो स्ट्रीट में घूम घूम कर ये तसल्ली ले रहा था कि जितने भी दुकानें हैं उस मार्केट में, वो स्ट्रीट में, वो सारी दुकानें बंद हो चुकी हों, क्योंकि लगभग 10 बज चुके थे। तो पेट्रोलिंग करते करते जो पुलिस ऑफिसर है वो उन्हीं सारी बंद दुकानों में से एक दुकान के सामने एक आदमी को देखता है। वो आदमी वहाँ पे चुपचाप खड़ा था। तो जब पुलिस ऑफिसर है वो जाता है उस आदमी के पास, तो वो आदमी एक पुलिस ऑफिसर को देख के थोड़ा घबरा जाता है और फिर वो अपने बारे में बताने लगता है और फिर वो बताने लगता है कि वो वहाँ पे उस प्लेस पे क्यों खड़ा है। वो बताता है कि वो अपने एक बहुत ही पुराने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा है। वो आदमी बताता है कि आज से लगभग 20 साल पहले जो मेरा फ्रेंड है और मैं, यहाँ पे हम लोग लास्ट में मिले थे। एक्चुअली ये जो प्लेस है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था आज से 20 साल पहले। तो जो पुलिस ऑफिसर है वो कहता है कि हाँ, आज से 20 साल पहले जो रेस्टोरेंट था उसे तोड़ दिया गया और उसके जगह पे ये नई दुकान बन गई। तो फिर वो आदमी कहता है कि हाँ, आज से 20 साल पहले आज ही के दिन मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग यहाँ पे लास्ट डिनर किए थे। मेरा जो फ्रेंड था वो डिसाइड किया था कि वो न्यूयॉर्क में ही रुकेगा और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊँगा और वहाँ पे अपना कुछ काम वगैरह ढूंढूंगा, कुछ बड़ा करूँगा अपने लाइफ में। और फिर उन लोगों ने ये मिलकर डिसाइड किया था कि ठीक है, आज से 20 साल बाद आज ही के दिन हम लोग जिस भी पोजिशन में होंगे, अमीर होंगे या गरीब होंगे, हम लोग ज़रूर आएंगे एक दूसरे से मिलने आज ही के दिन इसी टाइम पे। फिर वो आदमी एक सिगरेट जलाता है अपने लाइटर से और फिर वो आदमी बताता है कि उसके फ्रेंड का नाम है जिमी वेल्स। वो आदमी और उसका फ्रेंड जिमी, वो दोनों एक साथ बड़े हुए थे न्यूयॉर्क सिटी में ही और वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो दोनों एक दूसरे के एकदम भाइयों की तरह थे। अब जो पुलिस वाला है वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड लग रहा था उस आदमी के स्टोरी में। वो पुलिस वाला पूछता है कि अच्छा बताओ, जब तुम लोग 20 साल पहले एक दूसरे से अलग हुए थे तो उसके बाद तुम लोगों ने कुछ भी लेटर वेटर एक दूसरे को कुछ भी नहीं लिखा? तुम लोगों ने कभी एक दूसरे से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? तो वो आदमी बताता है कि हाँ, हम लोग स्टार्टिंग में लेटर्स वगैरह लिखते थे एक दूसरे को, लेकिन फिर कुछ सालों के बाद वो भी धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन इतने सालों के कन्वर्सेशन गैप के बाद भी मुझे ये पूरा यकीन है कि मेरा फ्रेंड जिमी मुझे मिलने ज़रूर आएगा, वो एक काफ़ी अच्छा इंसान है। और फिर वो आदमी कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा यहाँ पे आने के लिए, उससे मिलने के लिए, लेकिन अगर मैं उससे मिल लूँगा तो ये सारा कुछ जो भी मैंने ट्रैवल वगैरह किया ये सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर वो आदमी अपनी महंगी वॉच में टाइम देखता है और कहता है कि अभी देखो, अभी 10 बजने में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। आज से 20 साल पहले ठीक आज ही के दिन हम लोग रात में 10 बजे एक दूसरे से अलग हुए थे और ये डिसाइड किए थे कि आज ही के दिन 20 साल बाद हम लोग 10 बजे ही मिलेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो मेरा फ्रेंड है वो मुझसे मिलने ज़रूर आता होगा। अब जो वो पुलिस वाला है वो उसकी महंगी घड़ी और उसका जो भी महंगा ज्वेलरी वगैरह वो सब पहना हुआ है वो सब वो पूछता है पुलिस वाला कि अच्छा, अब तो तुम काफ़ी सक्सेसफुल हो गए होगे अपने लाइफ में। तो जो आदमी है वो कहता है कि हाँ, मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। और वो आदमी कहता है कि मुझे ये पूरा होप है कि जो मेरा फ्रेंड जिमी है वो भी अपने लाइफ में काफ़ी अच्छा किया होगा, काफ़ी सक्सेसफुल हुआ होगा। अब फिर जो पुलिस वाला है वो कहता है कि ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने पेट्रोलिंग वगैरह करने और मुझे ये होप है कि तुम्हारा फ्रेंड जिमी तुमसे मिलने ज़रूर आएगा। पुलिस वाला ये भी पूछता है कि अच्छा, अगर तुम्हारा फ्रेंड नहीं आया तुमसे मिलने तो तुम क्या करोगे? तो जो आदमी है वो कहता है कि नहीं, वो ज़रूर आएगा और अगर वो नहीं आया तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा, लेकिन मैं आधे घंटे तक उसका वेट करूँगा क्योंकि हो सकता है वो किसी काम वगैरह में लेट हो जाए, तो इसलिए मैं उसका थोड़ा वेट करूँगा, अगर वो नहीं आएगा तो मैं चला जाऊँगा। फिर जो पुलिस वाला है वो बोलता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ और वो जो आदमी है वो वहीं पे खड़ा होकर अभी भी वेट कर रहा होता है। फिर लगभग 20 मिनट के बाद एक लंबा आदमी आता है उस आदमी के पास। वो आदमी एक लंबा सा कोट पहना हुआ रहता है और उसका फेस उतना दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा ढका हुआ था उस कोट से।
वो जो लंबा आदमी है वो आता है उस आदमी के पास जो वहां पे वेट कर रहा होता है, और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम बॉब है। तो वो जो आदमी है वो कहता है कि हाँ मैं बॉब हूँ, और तुम्हारा नाम क्या जिमी वेल्स है? तो वो जो लंबा आदमी है वो कहता है कि हाँ मेरा नाम जिमी वेल्स है। उसके बाद वो दोनों हाथ वगैरह मिलाते हैं और काफी खुश हो जाते हैं एक दूसरे को देख के। फिर जो जिमी है वो कहता है बॉब से कि काश यहाँ पे अभी भी वो रेस्टोरेंट होता तो हम लोग फिर से 20 साल पहले जैसे हम लोग डिनर किए थे वैसे हम लोग कर पाते आज भी। तो बॉब कहता है कि हाँ काश यहाँ पे होता। फिर उसके बाद बॉब ये नोटिस करता है कि जो जिमी है ये काफी लंबा हो गया है पहले से। तो वो कहता है कि तुम तो काफी लंबे हो गए हो पहले से। तो जो जिमी है वो कहता है कि हाँ तुम्हारे जाने के बाद मैं थोड़ा सा लंबा हो गया हूँ। फिर जो बॉब है वो पूछता है जिमी से कि अच्छा तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो अभी अपनी लाइफ में। तो जो जिमी है वो कहता है कि मैं अभी सिटी के लिए काम करता हूँ। फिर जो जिमी है वो कहता है बॉब से कि हम लोग थोड़ा सा और आगे जाके एक जगह है वहां पे हम लोग आराम से बैठ के बातें कर सकते हैं। फिर बॉब और जिमी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, चलने लगते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद उनके सामने एक स्ट्रीट लाइट आता है। तो उस स्ट्रीट लाइट की रोशनी से जो जिमी का फेस है वो दिखता है बॉब को। तो बॉब जो है वो तुरंत जिमी से अलग हो जाता है और वो कहता है कि तुम कौन हो, तुम मेरे फ्रेंड जिमी नहीं हो सकते। और फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि 20 साल में लोग बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं, लेकिन वो इतने भी नहीं बदलते कि उनका जो नाक का शेप है वो चेंज हो जाए। तुम सच सच बताओ तुम कौन हो? तो जो लंबा आदमी है वो कहता है कि तुम पिछले 10 मिनट से अरेस्ट हो, तुम्हें शिकागो की पुलिस काफी दिनों से ढूंढ रही है। फिर वो बॉब से कहता है कि तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। तो बॉब कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वो जो लंबा आदमी है वो बॉब को एक लेटर देता है और कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट के जो पुलिस ऑफिसर है मिस्टर वेल्स, उन्होंने आपको ये लेटर दिया है। तो जो बॉब है वो लेटर खोल के पढ़ता है तो उस लेटर में लिखा होता है कि मैं तुमसे मिलने आया था ठीक उसी जगह पे जहाँ मैंने तुमसे वादा किया था। इनफैक्ट मैं तुमसे पहले ही पहुँच चुका था और मैं तुमसे मिला भी, पर अफसोस जब तुमने अपने लाइटर से अपना सिगरेट जलाया तो मुझे तुम्हारा फेस दिख गया और मैं पहचान गया तुम्हें। तुम्हें हमारे शहर की पुलिस काफी दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन मैं तुम्हें खुद अरेस्ट नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें जिमी बंद करके किसी और आदमी को तुम्हारे पास भेजा और उसे अरेस्ट करने को कहा। तुम्हारा दोस्त जिमी। और फ्रेंड्स यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो स्टार्टिंग में पुलिस ऑफिसर था वही उस आदमी का दोस्त था, वही बॉब का दोस्त था जिमी। तो कैसे लगी आज की स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। आप लोग वीडियो देख लेते हो, कमेंट भी कर देते हो, लाइक भी कर देते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। एंड थैंक यू।